अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिमी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक अमेजिंग हेयर पैक बनाएंगे जिसके इस्तेमाल से आपके बाल शाइनी, स्मूथ, स्ट्रांग और लॉन्ग होंगे। अगर आप लोगों को हेयर फॉल का इशू है तो 2 या 3 दफ़ा के इस्तेमाल से हेयर फॉल कम हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको डैंड्रफ या 2 मुँह बाल का मसला है तो इसके लिए भी ये बेस्ट पैक है। फ्रेंड, 100% नेचुरल चीज़ों से तैयार करदा इस हेयर पैक के रिज़ल्ट बहुत ही लाजवाब हैं। तो फ्रेंड, इससे पहले कि मैं आप लोगों को इस हेयर पैक के बारे में बताऊं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए बनाते हैं हम हेयर पैक। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है दही, एक खाली कटोरी लेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच दही के। दही आप लोगों ने ज़्यादा पतला नहीं लेना, इस तरह का दही आप लोगों ने लेना है हेयर पैक के लिए। तो फ्रेंड, आप लोग भी जानते हैं कि डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए दही बेस्ट है। दही विटामिन सी, कैल्शियम से भरपूर होता है। इसके बाद हम इसमें जो दूसरे नंबर पे चीज़ ऐड करेंगे वो है शहद। शहद आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। शहद बालों को शाइनी और स्मूथ बनाएगा। तकरीबन 1 चम्मच हम इस हेयर पैक में शहद का ऐड करेंगे। दही मैंने 2 चम्मच ऐड किए हैं, इसमें मैंने तकरीबन 1 चम्मच शहद का ऐड किया। दही और शहद को ऐड करने के बाद हमारा इस हेयर पैक में जो तीसरा इंग्रेडिएंट जाएगा वो है अंडा। अंडे की जर्दी और सफ़ेदी आपने दोनों ही इसमें ऐड करनी है। जर्दी को आपने स्किप नहीं करना। दही, शहद और अंडे को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमारा है इस हेयर पैक के लिए वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। बालों की लेंथ के हिसाब से आपने कोकोनट ऑयल लेना है। कोकोनट ऑयल बालों को लंबा और मज़बूत बनाता है। मैं इस पैक में तकरीबन 2 चम्मच कोकोनट ऑयल के ऐड करूँगी। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। चंद कतरे हमने इसमें नींबू के रस के ऐड करने हैं। टेंशन वाली बात नहीं है कि नींबू के रस से हमारे बाल कहीं सफ़ेद ना हो जाएं। अब इसके बाद हम इसमें जो लास्ट चीज़ ऐड करेंगे वो है विटामिन ई का कैप्सूल। विटामिन ई ऑयल हमने इसमें ऐड नहीं करना, बल्कि इस हेयर पैक में आप लोगों ने विटामिन ई का कैप्सूल ही ऐड करना है। एक अदद हम इस हेयर पैक में विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। 2 चम्मच मैंने इस हेयर पैक में दही के, तकरीबन 1 चम्मच शहद, 1 अदद अंडा जर्दी के साथ, कोकोनट ऑयल 2 चम्मच, नींबू का रस चंद कतरे और 1 अदद इसमें मैंने विटामिन ई का कैप्सूल ऐड किया है। तमाम इंग्रेडिएंट जो हैं नेचुरल हैं और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अहम हैं। तो फ्रेंड्स, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। बालों को ये जड़ों से सिरों तक अप्लाई करें। 2 घंटे के लिए अपने सर को किसी कपड़े या शापर वगैरह से कवर कर लें। 2 घंटे के बाद किसी भी शैम्पू से अपने बालों को धो लें। तो फ्रेंड्स, 2 से 3 बार के इस्तेमाल से ही रिज़ल्ट देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। इस पैक के इस्तेमाल से हेयर फॉल कम होगा। अगर आपके फ्रीजी हेयर हैं तो आपके हेयर शाइनी और स्मूथ हो जाएंगे।
बालों के तमाम मसाइल का हल इस हेयर पैक में मौजूद है। स्टार्ट में आप लोग हफ्ते में तकरीबन 2 दफ़ा अप्लाई करें। जब आपके बालों के मसाइल हल हो जाएं तो उसके बाद इसको छोड़े नहीं, बल्कि हफ्ते में एक बार ज़रूर इस हेयर पैक को अप्लाई करें। तो फ्रेंड, इस हेयर पैक को आप लोग ज़रूर ट्राई करें और रिज़ल्ट जो है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।